Hello everyone, I hope you all are doing good. So in today's tutorial, I'm going to decorate the entryway of our home. Due to COVID situation, we really have to keep a lot of things in the entryway, like mask and sanitizer and a lot of more stuff. And I thought I'll decorate this particular area by using my old stuff, old decorative items, and show you all how you can also do the same. So let's begin the video. So the first DIY we are going to make is this keychain holder. So ये मैंने D-Mart से लिया था कुछ around 80-90 rupees का. And you can see मेरे दिमाग में यही चीज़ थी कि I'm going to just buy it and again I'm going to recolor it. As such, it's not that great और इसमें क्या होता है काफ़ी बार fungus भी लग जाता है. So what I did was starting में हमने इसके ऊपर gesso लगाया. आप gesso का एक layer लगाइए, इसे dry होने के लिए रख दीजिए. And then I'm going to apply this chalk paint. This is slightly like acrylic colors. This particular color is from Art Resin Vibe. Very very good color. And then once it is dried, side में हम इसे gold color से highlight करेंगे. Gold color is from Craftloggers. Very nice, beautiful, shiny colors as you can see. और इसके ऊपर जो वेलकम लिखा है हम इसको हाईलाइट करेंगे एंड दैट इज इट. यू जस्ट हैव टू कलर इट एंड हाईलाइट इट एंड अ ब्यूटीफुल की चेन इज रेडी. So next DIY is this mask station. Mask station सबके घर में अभी definitely होगा but इतना fancy नहीं होगा. तो हम इसी तरह से mask station अपने घर पर बना सकते हैं by just taking these kind of MDF boards. अगर आपके पास ये नहीं है आप normal cardboard भी ले सकते हैं. So इस MDF के base पे सबसे पहले हमने लगा लिया है gesso. Gesso is very important. हमें अपने base को एक gesso का layer देना होता है. It's like a primer and then इसके ऊपर आप कोई भी color लगाइए तो आपका color बहुत ज़्यादा वो soak नहीं करता है और बहुत ज़्यादा आपका कलर लगता भी नहीं है. तो इसके बाद मैं ये दो कलर लेके मिक्स करूँगी, येलो एंड वाइट. एंड हम बीच में इस तरह से हम कोट्स लिखेंगे. ये कोट्स का मैंने प्रिंट आउट लिया है. इस तरह से कट करके हम इसको ट्रेस कर देंगे. ट्रेसिंग मेथड मैंने पेंसिल वाला मेथड यूज़ किया है. इफ़ यू डोंट नो हाउ टू ट्रेस, आई एम गोइंग टू पुट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. मैंने एक बहुत ही अमेजिंग वीडियो बनाई है 7 वेज ऑफ ट्रेसिंग, सो यू कैन वॉच दैट. सो उसके बाद एक बार ट्रेस हो गया है देन वी आर गोइंग टू हाईलाइट इट. दिस टाइम आई हैव ट्राइड दिस शार्पिया का मार्कर एंड दिस इज जस्ट अमेजिंग. मेरे पास पोस्का मार्कर थे. पोस्का मार्कर के ऊपर भी अगर आप ग्लू लगाओ या वार्निश लगाओ वो फैलते नहीं थे. उसके बाद मुझे पोस्का मार्कर मिलते ही नहीं है मार्केट में. दे आर वेरी एक्सपेंसिव ऑनलाइन. सो आई वॉज लुकिंग फॉर समथिंग विच इज़ सिमिलर टू पोस्का मार्कर्स. सो दीज आर द वन विच इज़ इक्वलेंट टू दैट एंड ये स्प्रेड भी नहीं होते. तो आई एम रियली रियली हैप्पी कि फाइनली मुझे 0 नंबर के ब्रश से कोट्स नहीं लिखने पड़ेंगे. ऑल राइट, सो वंस कोट्स आर डन के बाद हम इसके ऊपर करेंगे स्टेंसलिंग. स्टेंसलिंग के लिए आई एम टेकिंग दिस स्टेंसिल एंड उसके बाद हम लेंगे टेक्सचर पेस्ट. टेक्सचर पेस्ट यू कैन टेक फ्रॉम एनी कंपनी. आई एम टेकिंग द इट्स अ बिट्सी वन. इट्स रियली गुड. इट्स 2-in-1 लाइक इट्स जेसो एंड टेक्सचर पेस्ट बोथ. सो यू कैन डेफिनेटली गो फॉर दिस वन. इट्स रियली नाइस. एंड देन उसके बाद हम इस तरह से धीरे धीरे ब्रिक्स बनाएंगे. स्टेंसिल को एवरी टाइम यू हैव टू वॉश, अदरवाइज आपका स्टेंसिल खराब हो जाता है एंड वो सारा जो नीचे वर्क होता है टेक्सचर बेस्ड वो भी हमारे काम पे लग जाता है. एंड इफ़ यू वॉन्ट टू बाई एनी थिंग फ्रॉम इट्सी बिट्सी यू कैन यूज़ माई कूपन कोड कंचन5 टू गेट एक्स्ट्रा 5% ऑफ. उसके बाद इसके नीचे मुझे थोड़ा खाली लग रहा था ये वाला पार्ट, तो आई थॉट कि हम यहाँ पर इस तरह से बाउंड्री बना देंगे. वाइट कलर की बहुत ही ब्यूटीफुल एंड मैच कर रहा है ये सब कुछ इसके साथ. एंड यू कैन सी हाउ क्यूट एंड ब्यूटीफुल दिस इज़ लुकिंग. इसके बाद हम इसमें पीछे फ्लावर्स बनाएंगे. फ्लावर्स एंड लीव इज़ कम्प्लीटली अप टू यू. 2-3 कलर्स आपको लगाने हैं, पेशेंस रखना है ऑफकोर्स. एंड जब भी हम पेंटिंग करते हैं या कलर्स करते हैं, कलर्स के साथ वी प्ले अराउंड, कभी भी एक कलर नहीं होता है ऑफकोर्स. इसके साथ हम 3-4-5 कलर्स मिक्स करते हैं, एक के ऊपर एक लेयर्स देते हैं, तभी वो हमारे काफ़ी ब्यूटीफुल फ्लावर्स या पेंटिंग नज़र आती है. तो वंस इट इज़ डन इट्स गोइंग टू लुक समथिंग लाइक दिस. अब मैंने क्या किया है, इसको थोड़ा सा हाईलाइट भी कर दिया है एज यू कैन सी. और उसके बाद
अब इसे हम हैंग कैसे करेंगे, आई डोंट हैव द हैंगर्स राइट. अब वो स्पेसिफिकली मुझे मार्केट से जाके खरीदना पड़ता, तो व्हाट आई डिड वाज मेरे पास ये पुश थंब पिंस थे, तो इसको मैंने क्या किया, पुश कर दिया, बिकॉज ये MDF बोर्ड है, बहुत ही आराम से इसमें ये लग जाते हैं. तो इस तरह के मेरे पास ये डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के थे, तो आई टुक द ट्रांसपेरेंट वन विच इज़ लाइक यू कैंट रियली सी इट, बट ये वहीं पर रहता है, काफ़ी ब्यूटीफुल दिखेगा. तो इस तरह से आपको इसको अंदर डाल के पीछे से आपको इसको मोड़ देना है. अगर आपका MDF उतना मोटा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर आपका MDF या कार्डबोर्ड थोड़ा पतला है तो आप इसको इस तरह से ऊपर की तरफ मोड़ के और फिर इसके ऊपर एक टेप लगा दीजिए. एंड कभी बाई चांस आप उसे टच कर रहे हैं या कुछ भी है, तो सेफ्टी पर्पज़ के लिए इट्स ऑलवेज देयर कि आपने उसके ऊपर टेप लगाया हुआ है ना, इट्स सेफ. देन साइड में हम इस तरह से येलो कलर लेके अगेन थोड़ा सा हाईलाइट कर देंगे, बिकॉज साइड में एजेस इतने कुछ शार्प नज़र नहीं आ रहे थे मुझे. और लास्ट में इसके पीछे हमारे पास हुक नहीं है, तो हम ईजिली इस तरह से कोई भी जूट रोप या नॉर्मल रोप लेकर हॉट ग्लू गन से या कोई भी ग्लू से आप इसे इस तरह से स्टिक कर लीजिए. एक आप इस तरह से बीड लगा दीजिए. और लास्ट में इन सब को सील करने के लिए आई एम गोइंग टू यूज़ दिस वार्निश. दिस इज़ फ्रॉम इट्सी बिट्सी, लवली अमेजिंग वार्निश, एंड आ ब्यूटिफुल Mask Station is ready. सो नेक्स्ट हम बनाएंगे ये ब्यूटिफुल सा वास. दिस इज़ सो ईजी टू मेक एंड इट्स लुकिंग सुपर सुपर क्लासी. तो इसके लिए ये मैंने एक प्लास्टिक की बॉटल ली है, आप भी कुछ इस तरह की बियर की बॉटल ले सकते हैं. तो इसके ऊपर सबसे पहले मैंने लगाया है ये मास्किंग टेप. मास्किंग टेप लीक जनरली नहीं करता है, और इसके ऊपर मैं लगाऊंगी ये स्प्रे पेंट कोल्ड कलर का. अब मैं आपको एक ट्रिक यहाँ पर दिखाऊंगी. काफ़ी बार क्या होता है, हमारा जो कलर होता है वो ऊपर जैसे मेरी बॉटल में लग गया है और यहाँ पर लीक हो गया है, तो हम इसके ऊपर क्या करेंगे, नेल पॉलिश रिमूवर से वी आर गोइंग टू जस्ट क्लीन इट, एंड आपका वर्क काफ़ी ज़्यादा नीट एंड क्लीन दिखता है. सो वंस दैट इज़ डन, ऊपर मैं इसके ऊपर लगाऊंगी जूट रोप. जूट रोप आप कोई भी ले सकते हैं, ये अमेजोन से अलग अलग साइज़ के आपको जूट रोप्स मिल जाएंगे. ऑल राइट, सो इसके बाद मैंने सोचा कि हम इसको कुछ एम्बेलिशमेंट से डेकोरेट करेंगे. बहुत दिन से मैंने एम्बेलिशमेंट्स नहीं बनाए थे, सो आई एम गोना शो यू कि मैं एम्बेलिशमेंट्स कितने ईजिली सिलिकॉन मोल्ड से बनाती हूँ. ये सिलिकॉन मोल्ड मेरे पास बहुत पुराना पड़ा है, और इसके ऊपर एम्बेलिशमेंट्स बनाने के लिए हम हॉट ग्लू गन से इसको फिल करेंगे. कुछ 10 मिनट के लिए आप छोड़िए, उसके बाद आपके एम्बेलिशमेंट्स कुछ इस तरह से दिखेंगे. देन वी आर गोइंग टू कलर इट विद एनी गोल्ड कलर. आप गोल्ड पाउडर कलर ले सकते हैं, वो काफ़ी ब्यूटीफुल दिखता है. वंस दैट इज़ डन, हमारे एम्बेलिशमेंट्स रेडी हो गए हैं. उसके बाद आप एक बार मेजर कर लीजिए स्टिक करने से पहले. अगर आप मेजर नहीं करेंगे, लास्ट वाला जो हमारा एम्बेलिशमेंट है वो ना इधर का रहता है ना उधर का रहता है. सो ऑलवेज मेजर इट फर्स्ट एंड देन यू स्टिक. तो मेरे साथ क्या हुआ, ये जो एम्बेलिशमेंट्स हैं ये थोड़े से बड़े हो रहे थे, तो व्हाट आई डिड वाज साइड से चारों को मैंने थोड़ा थोड़ा काट दिया. सो यू कैन सी हाउ इजीली वी कैन मेक दीज काइंड ऑफ क्लासी थिंग्स फॉर आ होम. तो लास्ट DIY भी मैंने सोचा कि मेरा ये जो बहुत पुराना शू रैक है इसको ही मैं रिवैम करूँगी. बहुत दिन से मैं सोच रही थी इसको कलर करूँगी. फाइनली इसका दिन आ गया. इट टुक अ लॉट ऑफ डेज इसको कंप्लीट करने के लिए. एंड डे वन में मैंने इसको सिर्फ इसका बेस प्रिपेयर किया मैंने. उसके लिए मैंने इसके ऊपर होममेड जेसो लगाया. होममेड जेसो इज़ वेरी इजी टू मेक. इसके लिए मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, वहाँ से आप लर्न कर सकते हैं. आई हैव मेड अ वीडियो ऑन दैट. तो वो मैंने पूरा लगाया, और काफ़ी सस्ता भी पड़ता है. यू नो, इतने बड़े एरिया में इफ़ यू बाय जेसो फ्रॉम आउटसाइड, आपके 2-3 डब्बे कहीं नहीं गए. तो घर पे बनाइए, काफ़ी इजीली काफ़ी अच्छा बन जाता है, एंड इतना ज़्यादा लगता भी नहीं है. तो डे वन मैंने इसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ जेसो लगाया और इसको कम्प्लीटली ड्राई होने के लिए छोड़ दिया. सो डे टू मैंने इसके ऊपर किया है कलरिंग, और डेकोपाज पेपर मैंने इसके ऊपर लगाया है. तो कलर्स के लिए दिस टाइम आई हैव टेकन चॉक पेंट्स फ्रॉम क्राफ्टलॉगर्स. आई वुड रियली वॉन्टेड टू ट्राई इनके चॉक पेंट्स ऑन फर्नीचर. तो इसके लिए पहले मैंने क्या किया, आई वॉज़ नॉट श्योर कि कौन सा कलर हम इसके ऊपर करें.
तो मैंने क्या किया कि इसके ऊपर सारे कलर्स मैंने एक बार लगा दिए एंड देन आई सॉ द कलर कॉम्बिनेशन. दिस इज़ ऑल्सो अ वेरी गुड एग्जाम्पल. आप लोग भी इसको फॉलो कर सकते हैं कि कौन सा कलर किसके साथ कॉम्प्लीमेंट करके जाएगा जब आप बहुत बड़े एरिया को कलर करने वाले होते हैं. तो ये मैंने 5 कलर्स लिए एंड देन आई सॉ दीज पिस्ता ग्रीन, ब्लू एंड येलो एंड ग्रे, सब अच्छे एक दूसरे के साथ मैच कर रहे हैं. बट आई टुक दीज 3 कलर्स, पिस्ता ग्रीन, ब्लू एंड ग्रे. ऑलराइट, तो साइड में मैंने पूरा इसमें मॉर्निंग चॉक पेंट लगाया है. नाउ द बेनिफिट ऑफ चॉक पेंट इज, पहली बात, ये सिर्फ एक लेयर ही लगाइए, आपको 2-3 लेयर की ज़रूरत नहीं है. एंड बिकॉज हमने इसके ऊपर प्राइमर लगाया था तो हमें इसमें 2 लेयर नहीं लगाने पड़ेंगे, तो हमारा चॉक पेंट भी बहुत कम यूज़ होता है. साइड में दोनों जगह में ब्लू कलर लगाने के बाद टॉप में मैं ग्रे कलर लगाऊंगी. व्हाई एम यूजिंग ग्रे कलर ऑन द टॉप, क्योंकि ग्रे कलर है डार्क कलर. काफ़ी बार क्या होता है, हम कभी कुछ चीज़ रख देते हैं, कभी गंदा हो जाता है टॉप, तो ईजी होता है काफ़ी वो क्लीन करने में. तो ऊपर और साइड में कलरिंग इज़ डन. नाउ आई एम गोइंग टू अप्लाई दिस डेकोपाज पेपर ऑन द टॉप. तो जब भी हम डेकोपाज पेपर लगाते हैं, हमारा बेस शुड बी कम्प्लीटली ब्यूटिफुली वाइट. तो उसके लिए आई एम गोइंग टू अप्लाई दिस एक्रिलिक कलर ऑन द बेस. उसके बाद मैं लूँगी ये डेकोपाज पेपर. अब डेकोपाज पेपर को हम इस तरह से टेयर करेंगे, हाथ से ही टेयर करेंगे, सीजर से नहीं करेंगे. और इसके नीचे जो 2 एक्स्ट्रा शीट्स रहती हैं, इनको हम निकाल देंगे. राइट, अब हम इनको ऊपर इस तरह से स्टिक करेंगे. नाउ स्टिकिंग के लिए मैं लूँगी ये डेकोपाज ग्लू. दिस इज़ फ्रॉम इट्सी विट्सी, वेरी नाइस ग्लू एंड बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में आता है, बहुत कम यूज़ होता है, तो काफ़ी ज़्यादा चल जाएगा आपका ये. तो इस तरह से आप पहले धीरे धीरे हाथ से सेट कीजिए अपने डेकोपाज पेपर को, उसके बाद एक ड्राई ब्रश की हेल्प से आप इसको स्टिक कीजिए. अभी आप रिंकल्स का इतना कुछ बहुत ज़्यादा वारी मत कीजिए, बिकॉज रिंकल्स अभी पड़ेंगे इस पर, बाद में हम उनको धीरे धीरे करके निकाल देंगे, नो प्रॉब्लम. राइट, तो इस तरह से आप इसे धीरे धीरे स्टिक कीजिए. यहाँ पर मुझे काफ़ी मुश्किल हुआ. अगर आप इस तरह की कोई भी फर्नीचर को डेकोपाज करते हो जो थोड़ा ऊपर नीचे होता है, तो उसमें क्या होता है कि आपका नैपकिन पेपर कुछ इस तरह से फंस जाता है. राइट, तो यहाँ पर आपको बहुत ही स्मार्टली इसको स्टिक करना है, बहुत ज़्यादा पुश नहीं करना है, नहीं तो वो फट जाएगा. और इस तरह से आपको उसको धीरे धीरे स्टिक कर देना है. आप उसे स्टिक कर दीजिए, बहुत ज़्यादा पुश मत कीजिए. ड्राई होने के बाद हम इसे कट करके अंदर की तरफ स्टिक कर देंगे. राइट, तो इसको मैंने कम्प्लीटली ड्राई होने के लिए छोड़ दिया है. उसके बाद यहाँ पर हम इसे अपनी क्राफ्ट नाइफ से कट करेंगे. राइट, यहाँ इसको बहुत ही केयरफुली आप कट कीजिएगा, नहीं तो आपका जो डेकोपाज पेपर है, काफ़ी बार वो कटने के चांसेस होते हैं. तो इस तरह से आप इसे धीरे धीरे कट कीजिए और उसके बाद हम इसे स्टिक कर देंगे अगेन हमारे डेकोपाज ग्लू से. तो स्टिक होने के बाद ये कुछ इस तरह से दिखेगा. अब हम यहाँ पर करेंगे कलरिंग. तो थोड़ा सा अगर इस तरह का पार्ट आपका रह जाता है तो आप उसको उसी तरह के कलर मैच, मिक्स एंड मैच करके ले सकते हैं. अगर आपकी ड्राइंग अच्छी नहीं है तो आप उसे वैसे ही छोड़ सकते हैं. अगर आपकी ड्राइंग अच्छी है तो आप कुछ इस तरह से ट्राई कर सकते हैं. मैंने भी बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं मारा ये फ्लावर्स बनाने में. सो उसके बाद ये वंस दैट इज़ डन, हम नीचे 2 शेड्स कलर करेंगे. राइट, यहाँ पर मैं लेने वाली हूँ टील ब्लू एंड पिस्ता ग्रीन कलर. राइट, यहाँ आपने देखा मैंने नीचे की तरफ पिस्ता ग्रीन लगाया है एंड ऊपर की तरफ मैंने ब्लू कलर लगाया है. तो इस तरह से आप धीरे धीरे 2 कलर मिक्स कर सकते हैं एंड काफ़ी ब्यूटीफुल लुक देता है. ऐसे पता नहीं लगेगा आपने 2-3 कलर्स मिक्स किए हैं, बट अगर आप दूर से देखोगे हल्की सी आपको शेडिंग नज़र आएगी. जैसे यहाँ मैं अभी पिस्ता ग्रीन कर रही हूँ, उसके बाद मैं इसमें थोड़ा सा ब्लू कलर का चॉक पेंट लगा दूँगी. सो आप देख सकते हैं काफ़ी ब्यूटीफुल ये कॉम्बिनेशन दिख रहा है. उसके बाद ये जो एजेस हैं, इस सब पे मैंने लगाया है ग्रे कलर. तो इस तरह से आप इसको फिनिश कर सकते हैं. और लास्ट में थोड़ी सी जगह खाली लग रही थी एंड आई थॉट यहाँ पर एक हम बर्ड स्टिक करते हैं. तो मेरे पास ये एक डेको ट्रांसफर पेपर्स है जिससे कि मैंने ये ब्यूटीफुल सी बर्ड यहाँ स्टिक कर दी. इट्स वेरी इजी टू स्टिक. इसके आगे एक पेपर रहता है, इसको आप निकालिए, फिर आप इसे स्प्रे कीजिए पानी इसके ऊपर, फिर आप बाहर वाला पेपर निकाल दीजिए एंड दैट इज़ इट. बहुत ईजी है इसे स्टिक करना. सो फाइनली day 3 को मैंने की इसके ऊपर स्टेंसलिंग. ओ माई गॉड, स्टेंसलिंग ने मेरा पूरा दिन लिया, बिकॉज मैंने पूरा साइड में दोनों जगह स्टेंसलिंग किया है. सो स्टेंसलिंग के लिए ये स्टेंसिल है क्राफ्टली कनेक्ट से.
ब्यूटिफुल इंडियन डिज़ाइन और साथ में मैं इसमें टेक्सचर पेस्ट क्राफ्ट लॉगर का यूज़ कर रही हूँ, दैट इज़ ऑल्सो रियली रियली नाइस एज यू कैन सी। तो स्टेंसलिंग का ये रहता है कि आपको एक तो पेशेंसली उसको अच्छे से स्प्रेड करना है, राइट। सो जब भी हम स्टेंसलिंग करते हैं हमें उसे मास्किंग टेप से पहले फिक्स करना है हमेशा, नहीं तो अगर आपका स्टेंसिल हिल गया आपका पूरा काम खराब हो जाएगा, राइट। और उसके बाद सेकंड है कि जब भी हम नेक्स्ट पैटर्न स्टार्ट करते हैं सो वी हैव टू बी रियली रियली केयरफुल कि हमने अपना नेक्स्ट पैटर्न कैसे स्टार्ट करना है। लाइक हियर यू कैन सी, यहाँ पर हम कुछ इस तरह से ये पैटर्न स्टार्ट करेंगे तो वो एक बिल्कुल फ्लो में नज़र आता है। एंड ऑलवेज रिमेंबर टू वॉश योर स्टेंसिल एवरी टाइम यू यूज़। उसके ऊपर टेक्सचर पेस्ट होगा, अगर आप नेक्स्ट उसमें भी टेक्सचर पेस्ट के साथ आप अगर स्टेंसलिंग करेंगे तो आपका काम वो पीछे एकदम नीटली नज़र नहीं आएगा। सेकेंडली वो पीछे जो लगा रहता है थोड़ा सा टेक्सचर पेस्ट वो आपके काम पे ही स्टिक हो जाएगा। तो इफ़ यू वॉन्ट नीट एंड क्लीन वर्क एवरी टाइम यू हैव टू वॉश योर स्टेंसिल, यू हैव टू ड्राई इट एंड देन अगेन यू हैव टू डू स्टेंसलिंग। तो इसीलिए मुझे पूरा दिन लग गया स्टेंसलिंग करने में, बट एट द एंड द रिजल्ट इज सो 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 स्टनिंग। आई एम सो हैप्पी विद दिस डिज़ाइन। एंड लास्ट में इन सब चीज़ों को सील करने के लिए आई एम गोइंग टू यूज़ दिस वार्निश। आप अच्छे से वार्निश लगाइए अपने काम के ऊपर और फिर उसके बाद आप इसको आराम से गीले कपड़े से पोंछ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है।